खबर ये है कि इटली ने ऑफिशियली ये अनाउंस किया है और चाइना को कंफर्म कर दिया है कि BRI से वो अलग हो गए हैं। भारत एक तरफ से आप देख ही रहे हैं कि अपनी इकोनॉमी में भी आगे जा रहा है, फॉरेन पॉलिसी भी इंडिपेंडेंट है। कि ये मूव उस वक्त सामने आई है कि जब हमने अभी देखा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी के बीच एक सेल्फी का जो एक वाकया हुआ और वो दूर दूर तक हमने उसकी बाजगश। आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि ज्यादा मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे बॉर्डर्स के ऊपर भी कोई हालात ठीक नहीं, जिसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द जो है वो 5 ट्रिलियन पे पहुंच जाएंगे और 2047 तक जो है कहा ये जा रहा है कि भारत की इकोनॉमी जो है वो 40 ट्रिलियन तक भी जा सकती है। हेलो दोस्तों, जय हिंद, आप सभी का स्वागत है न्यूज प्लस सेंटर चैनल में। दोस्तों, दुनिया भर में अपनी पहुंच सुनिश्चित कर व्यापार, निवेश और राजनीतिक पकड़ मजबूत करने के चीन के प्रयासों को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब इटली ने औपचारिक रूप से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा कर। इससे पहले नवंबर में ही दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस की नाव और चीनी तटरक्षक जहाज से टक्कर के बाद फिलीपींस ने BRI प्रोजेक्ट से अलग होने की घोषणा की थी। इटली 2019 से बड़े उत्साह के साथ BRI में शामिल हुआ था। उस समय इटली के प्रधानमंत्री 5-स्टार मूवमेंट के नेता थे। BRI में इटली का शामिल होना चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए एक बड़ी राजनीतिक जीत थी। ऐसा कहा जाने लगा कि चीन यूरोप में घुसपैठ करने के लिए इटली का इस्तेमाल करेगा, लेकिन जॉर्जिया मेलोन की सरकार बनने के बाद से ही ये अटकलें लगाई जाने लगी। इटली शायद 2024 में BRI एग्रीमेंट को रिव्यू करेगा। BRI प्रोजेक्ट से इटली का अलग होना चीन के लिए इसलिए भी बड़ा झटका है क्योंकि इटली यूरोपियन यूनियन की तीसरी और वैश्विक स्तर पर 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं इस वीडियो। खबर ये है कि इटली ने ऑफिशियली ये अनाउंस किया है और चाइना को कंफर्म कर दिया है कि BRI से वो अलग हो गए हैं। BRI उन्होंने छोड़ दिया है और इस सिलसिले में उनका कहना यह है इटली की तरफ से कि उनको इसका कोई फायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, बल्कि वो ये समझते हैं कि उनको इसका नुकसान ही हुआ है। और बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि जो कि आप जानते हैं कि इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी, उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जो वो नहीं समझते कि उनको किसी किस्म का इससे फायदा है और जो नेशंस BRI में ऑलरेडी मौजूद हैं उनको भी इससे कोई खास बेनिफिट हासिल नहीं हो रहा। अच्छा, अब ये ज्यादा अहम बात इसलिए है कि ये मूव उस वक्त सामने आई है कि जब हमने अभी देखा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी के बीच एक सेल्फी का जो एक वाकया हुआ और वो दूर दूर तक हमने उसकी बाजगश सुनी कि हर तरफ ये चर्चा था कि जनाब वो जो सेल्फी उतारी गई है और मेलोनी ने जो उसको सोशल मीडिया पर फिर उसके बाद पोस्ट किया, तो उससे ये पता चलता है कि दोनों कंट्रीज के ताल्लुकात कितने अच्छे हैं कि जो इटली की PM है वो ये कह रही है कि मुझे एक दोस्त मिल गया। और COP28 की कॉन्फ्रेंस में वो दोनों हर जगह पर, मोदी साहब और मेलोनी साहिबा, हर जगह पर वो एक साथ बैठे हुए, बातचीत करते हुए, हंसी मजाक करते हुए, खूब कहकहे लगाते हुए नजर आए। तो इससे ऐसा लगता है कि कहीं ये जो BRI को छोड़ने का फैसला है इसके पीछे ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि क्योंकि अब इटली इंडिया के ज्यादा करीब आ चुका है और वो ये समझता है कि अगर BRI जो है वो चाइना का है और चाइना जो है वो इंडिया का राइवल है और फिर उसको क्या जरूरत है इंडिया के एक ऐसे कंट्री के साथ शामिल होने की जिसके इंडिया के साथ जो है वो नहीं बनती। तो उन्होंने एक तो सॉलिडारिटी में भी कहा जा सकता है, दूसरे ये कहा जा सकता है कि ये बात भी की जा रही है। देखें, कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है, जनाब ये जो है इंडिया की तरफ से उनको कहा गया कि पायन क्यों तुसी एदे विच पड़ रहे हो, मतलब ये कि मैं समझती हूँ कि कहने या ना कहने की कोई जरूरत नहीं है। अगर जो इटली की प्राइम मिनिस्टर है वो ये समझती हैं कि वो इंडिया के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात रखना चाहती हैं कि जो कुछ हमने देखा उससे तो ऐसे ही महसूस होता है, तो फिर उसमें वो एक अच्छी मूव है। उन्होंने कहा होगा कि हमें जब इससे कोई फायदा भी नहीं हो रहा तो BRI को ना छोड़ने का
क्या जरूरत है, हम छोड़ देते हैं इसको। अच्छा, इसमें कहा जा रहा है इटालियन फॉरेन मिनिस्टर जो है उन्होंने कहा है जो पैक्ट है उसने कोई फायदा किसी भी कंट्री को नहीं पहुंचाया है। और फिर इसमें बाकायदा जो है उनकी तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी ये कन्वे कर दिया गया है कि हम वीआरआई से जो है वो निकल रहे हैं। और उसमें ये जो कम्युनिकेशन हुई है दोनों कंट्रीज के बीच, ये क्योंकि अभी सिर्फ 2 से 3 दिन पहले हुई है, और दिलचस्प बात यह है कि 2 से 3 दिन पहले ही मोदी साहब और मेलोनी साहिबा की वो सेल्फी जो है वो वायरल हो रही थी, जिसको मेलोडी कहा जा रहा था, और बड़ी उसके पर आपको पता है मीम्स भी बनी, बड़ी बातें भी हुई, तो बहुत कुछ कहा गया। चलें वो तो खैर, एक आपको पता ही ऐसा कुछ निकलता है तो बात निकली कि दूर तक जाएगी, तो मजाक का उसमें कर दिया जाता है, मजाक में भी बातें की जाती हैं, लेकिन ये बात अपनी जगह पर सच है कि इस वक्त बड़े ही जबरदस्त तरीके से ताल्लुकात हैं इंडिया और इटली के। और डील ए बिग मिस्टेक, मेलोनी जो है उन्होंने ये कहा कि जो ये डील उन्होंने इटली ने की थी तो ये बिग मिस्टेक थी, और वो नहीं समझती कि ये करनी चाहिए थी। और उन्होंने जो है डिफेंस मिनिस्टर जो है इटली के, उन्होंने भी इसको अपोज किया इस डील को। तो चाइना के लिए ये एक बहुत बड़ा धचका है। क्या ये चाइना के लिए बहुत बड़ा धचका है, क्योंकि और बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जो कि बीआरआई में मौजूद हैं अभी तक। तो देखिए, बहरहाल इटली का निकलना जो है वो चाइना को पसंद तो नहीं आएगा, और वो इसको खास तौर पर ऐसे उसमें पसंद नहीं करेंगे कि जिस वक्त मेलोडी की बात की जा रही है, मोदी मेलोनी मैडुक मेलोडी मैजिक की बात की जा रही है कि जनाब ये तो जो है वो छा गए हैं दोनों। और जाहिर प्रेसिडेंट शी भी देख ही रहे होंगे, जो सेल्फी उन तक भी पहुंची होगी, उन्होंने कहा होगा लिया जी ऐसे लेके बह गए साड़ी मेलोनी नो, तो फिर मेलोनी साहबा जो उन्होंने कहा कि पैन असी जा रहे हैं, तो बस ये हुआ है जनाब। तो इसमें नरेंद्र मोदी साहब ने कहा जा रहा है ये राखी साजिश है, नहीं ये नरेंद्र मोदी साहब की साजिश है कि ये जो हुआ है और मेलोनी ने जो ये छोड़ा है, तो ये जो है इस वजह से हुआ है कि दोनों कंट्रीज के बायलैटरल रिलेशंस बहुत बढ़े हैं और इटली चाहता है कि रिलेशंस बढ़े। भारत एक तरफ से आप देख ही रहे हैं कि अपनी इकोनॉमी में भी आगे जा रहा है, फॉरेन पॉलिसी भी इंडिपेंडेंट है, अमेरिका की कोई खास सुन नहीं रहा है, अगर रशिया से कोई ताल्लुक रखना है तो रखना है, नहीं रखना तो नहीं रखना, किसी की बातों में आके या किसी के भी प्रेशर में आके भारत में काम नहीं हो रहा। यकीनन उसकी एक बहुत बड़ी वजह इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होने की उनकी इकोनॉमी भी है, जिसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द जो है वो 5 ट्रिलियन पे पहुंच जाएंगे, और 2047 तक जो है कहा ये जा रहा है कि भारत की इकोनॉमी जो है वो 40 ट्रिलियन तक भी जा सकती है। खैर ये तो हम आपको बहुत आगे की बात बता रहे हैं, मगर 5 ट्रिलियन तो वो अभी ही होने जा रहे हैं। इस किस्म की जब इकोनॉमी होती है तो जाहिर है कि उससे ताकत भी आती है, इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं, और अपनी मर्जी भी जो है वो कोई भी कंट्री चला सकती है।